हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये जो टॉपिक है आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम करेंगे वेरियस मेथड्स जिसके द्वारा हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, और ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेचुरल इनकम। तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। अगली वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे प्रॉब्लम्स एंड इम्पॉर्टेंस, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली तैयार किया है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये मेरा एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज़ माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे देश की जो नेचुरल इनकम है उसको हम तीन लेवल पे मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेवल पे, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, एक्सपेंडिचर लेवल पे। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी लेवल पे हम करें, चाहे नेशनल इनकम हम प्रोडक्ट लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इनकम लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम एक समान ही आएगी, चाहे वो हम प्रोडक्ट पे करें, चाहे इनकम पे करें, चाहे वो एक्सपेंडिचर पे करें। तो देयर आर थ्री मैथड्स, प्रोडक्ट और वैल्यू मैथड, इनकम मैथड और एक्सपेंडिचर मैथड। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसको हम इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी कह सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू एडेड मेथड है, यहाँ पे नेशनल इनकम को हम किस तरह से करते हैं कि जैसे ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, जैसे हमारी तीन जो सेक्टर्स हैं, एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो हर एक सेक्टर जो है कितनी वैल्यू एडिशन करता है, उसको हम मेयर करके, जो उसको टोटल करके हम जो है नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द GDP। देखो, जब हम, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो जब सबकी हम वैल्यू एडिशन को जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऐड हुई है, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाती है GDP एट मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ वैल्यू मेथड जो है प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब इसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड जो है ऐड कर देते हैं, देन इट बिकम्स द नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जैसे वैल्यू ऑफ द आउटपुट के अंदर से जो हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो उसको बनाने में यूज़ हुई हैं, उसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू एडिशन। जैसे आपने 10,000 का लकड़ खरीदी, टिम्बर खरीदा, फिर उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया और उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आगे 50,000, तो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू एडिशन है 50,000 माइनस 10,000 डेट इज़ 40,000। तो वैल्यू एडिशन मीन्स एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज which are used in the process of production. So what are the various steps? तो सबसे पहले हम जो प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसको क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, फिर उसी तरह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकोनॉमी है, डेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और इसके अंदर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जैसे फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग आ जाती है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जैसे वुड है उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, और कॉटन से क्लॉथ बना दिया, शुगर केन से शुगर बना दिया। तो
टर्शियरी सेक्टर जो होता है दैट इज नोन एज ए सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स की सर्विसेज। तो सेकेंड स्टेप इसके अंदर है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों सेक्टर की हम देखते हैं वैल्यू एडिशन जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से जब हम इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रॉ मटेरियल वगैरह होता है उसकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाती है। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर सारा का सारा चीजें सेल हो जाती है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल। अगर कुछ चीजें बच जाती है तो इट मीन्स कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और उसी तरह ही चेंज इन द स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है दैट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक अगर हम द्वारा कुछ आउटपुट जो है वो अनसोल्ड हो जाता है। तो चेंज इन स्टॉक जो है डेट इज द क्लोजिंग स्टॉक जो कि साल के एंड में बचता है, ओपनिंग स्टॉक जो कि बिगनिंग में होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है कि जैसे नॉन फैक्टर इनपुट जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के अलावा जो भी इनपुट्स होते हैं वो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जैसे रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया, जैसे टिम्बर परचेज किया 20,000 का, हमने फर्नीचर कन्वर्ट किया 60,000 का, तो 60,000 जो है डेट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट और 20,000 जो है उसके अंदर इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल यूज हुआ है तो वैल्यू एडिशन जो है 40,000। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर यूज एज रॉ मटेरियल और यूज फॉर फर्दर रीसेल। चेंज इन स्टॉक जो है डेट इज द क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। जैसे 20,000 ओपनिंग स्टॉक है तो 30,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक जो है दैट इज 10,000। वैल्यू एडेड का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एडेड है इसको हम ये कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन जो है, कंजम्पशन जो है फिक्स्ड कैपिटल की, वो माइनस कर देते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है डेट इज द वेयर एंड टीयर ऑफ द एसेट। तो वो हम जब ग्रॉस के अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नेट आता है। और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कि नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे तो ये आ जाती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर इसके अंदर से नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो नेचुरल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। नेचुरल इनकम जो है डेट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड इन द टर्शियरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड। तो इसी तरह हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे फार्मर जो है एक आटा मिल को वीट सेल करता है 600 की और फ्लोर मिल जो है वीट बाय करता है 600 की और उसी तरह उसका जो आटा बना के सेल करता है 800 का। बेकर जो है वो 800 का आटा परचेज करता है और उससे ब्रेड बना के 1000 की सेल करता है। शॉपकीपर जो है 1000 की ब्रेड सेल करता है और 1100 की 1100 की वो ब्रेड सेल कर देता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू फर्स्ट है वीट, वीट के अंदर जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है 600 है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स कॉस्ट 0 है तो वैल्यू एडिशन 600 है। उसके बाद जो फ्लोर है वीट से हमने प्रोसेसिंग की 800 की तो यहाँ पे हमने 600 के जो है वीट खरीदा था और उसको प्रोसेस किया था, मतलब फाइनल जो गुड्स हमारी बनी थी वो 800 की बनी थी। तो 800 माइनस 600 जो है डेट इज़ दी वैल्यू एडिशन। उसके बाद हमने ब्रेड जो थी उसको 1000 में सेल कर दिया
तो वहां पे उसकी जो कॉस्ट ऑफ द फ्लोर थी डेट वॉज 800, तो यहाँ पे वैल्यूएशन की उसने 200, और उसी तरह ही 1000 की ब्रेड जो है आगे उसने 1100 की सेल की है, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट है वो 1000 है, तो वैल्यूएशन जो है डेट इज 100। तो हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। 3500 के अंदर से हमने इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट माइनस कर दी 2400, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ 1100। क्योंकि अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं तो उसके अंदर डबल काउंटिंग हो जाती है, तो यहाँ पे हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वैल्यू लेनी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं लेनी होती वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसके अंदर हम इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाती है। जब उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, सब्सिडी को ऐड कर दो, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। और उसी तरह जब उसके अंदर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो जब हम प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड को यूज करते हैं तो इसके अंदर हमने ये ध्यान रखना है, एक तो वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अगर हमने ये डोमेस्टिकली सेकेंड हैंड परचेज किया है, बट अगर हमने बाहर से लिया है और ये ऑलरेडी काउंटेड नहीं है, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसी तरह जो सेकेंड हैंड जो सेल और परचेज है, उसके ऊपर जो कमीशन होता है डेट इज इंक्लूडेड। कमीशन जो है डेट इज द रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग। बट अगर सेकेंड हैंड मशीनरी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल और परचेज होती है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंटेड है। और उसी तरह जो खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं डेट इज टेकन इन टू अकाउंट। और उसी तरह जो सेल्फ कंजम्पशन है उसकी हम इम्प्यूटेड नोशनल वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं डेट इज टेकन इन टू अकाउंट। और उसी तरह वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो वैल्यू एडिशन के अंदर हम यूज नहीं करते। इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑर्डर्स ऑक्यूपाइड लैंड डेट इज टेकन इन टू अकाउंट। और उसी तरह क्या होता है कि जो सेल्फ कंजम्पशन, जैसे टीचर है वो अगर कॉलेज में टीच करता है तो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, डैट इज कंसिडर्ड। बट अगर वो घर में अपने बच्चे को टीच करता है तो सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इनकम मेथड वो मेथड है जिसके द्वारा हम नेशनल इनकम, जैसे लैंड है तो उसको हमने रेंट पे किया है, लेबर है तो उसको हमने वेजेस पे किया है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट पे किया है, एंटरप्रेन्योर है तो उसको हमने प्रॉफिट दिया है, पे किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जब इनकम मेथड के अंदर पहले तो हम जो है जो प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस होती है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम फैक्टर इनकम को एस्टिमेट करते हैं। तो फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम अर्न बाय पर्सन एज रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो उसे रिवॉर्ड मिलता है डेट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। जैसे लेबर है तो उसको वेजेस मिलती है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, लैंड है तो उसको रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि फैक्टर इनकम जो होती है अर्न इनकम है, जहाँ पे हमने सर्विसेज दी हैं उसके बदले में हमने पैसा प्राप्त किया है। और इसके अंदर हम ऐसी कोई इनकम इंक्लूड नहीं करते जो मतलब अर्न नहीं होती, जिसके लिए हमने सर्विसेज रेंडर नहीं की होती, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स हैं या ट्रांसफर रिसीट्स हैं, क्योंकि ये यूनिलेटरल होती हैं, इसके बदले में हमने सर्विसेज नहीं दी। जैसे स्कॉलरशिप मिलता है या ओल्ड एज पेंशन मिलती है या गिफ्ट्स हैं, तो ये जो ट्रांसफर रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं तो इनको हम कैलकुलेट, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह फैक्टर इनकम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और ये पेमेंट काइंड में भी हो सकती है। और उसी तरह जो एम्प्लॉयर है अगर वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है या पेंशन और रिटायरमेंट है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। उसी तरह जो ऑपरेटिंग सरप्लस है तो इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है,
और ये जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर भी अर्न होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है कि जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है। मिक्स्ड इनकम होती है कि जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है वो अपनी लेबर भी यूज करता है, लैंड भी यूज करता है, कैपिटल भी यूज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी यूज करता है, लेकिन उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो ये इनकम जो होती है मिक्स होती है वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसी वजह से इसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, दैट इज दी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम व्हिच आर जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये हमारी आ जाती है नेशनल इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज एंड इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम, देखो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम उन्होंने कितना पे किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे रेंट पे किया है तो कितने यूनिट्स को पे किया है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसी तरह जो जब हम सब भी जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है इनकम जनरेटेड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस इन ए पर्टिकुलर सेक्टर एंड वी फाइंड आउट बाय एडिंग द इनकम पेड आउट बाय ईच एंटरप्राइज। तो बाय एडिंग द इनकम पेड आउट बाय ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर वी गेट द नेट डोमेस्टिक। जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने फैक्टर को कितना पे किया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितना पे किया, टर्शियरी सेक्टर के अंदर कितना पे किया, जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है डोमेस्टिक इनकम। और उसी तरह ही जब हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट नेशनल इनकम। क्रॉस जहाँ पे भी होता है तो उसका मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसी तरह नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो मेथड है ये हमें बताता है कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट कितना करती है, हाउस होल्ड कितना करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना होता है। ये जो मेथड है विच मेज द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। नेशनल इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, जो फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर होता है। फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है क्या ये फाइनल एक्सपेंडिचर है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिमांड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए परचेज करती है तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। बट अगर वो फाइनली यूज करने के लिए उसको मतलब खरीदती है या कैपिटल फॉर्मेशन लिए करती है तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। तो हम फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होती है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको नहीं करते। और इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड जो है जब हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो ये मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि जब हम इकोनॉमिक यूनिट्स हैं तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और उसी तरह हम फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक एंड द नेट एक्सपोर्ट्स। तो
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो के सी, जो के जैसे वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, इवन इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाती हैं, चाहे ये जो सेल है या सर्विसेज जो है हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाती है, चाहे नॉन प्रॉफिट को, तो जितने भी क्वांटिटी सेल की जाती है उसको रिटेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसी तरह जो नॉन रेजिडेंट जो है डोमेस्टिक जो डायरेक्ट परचेज करते हैं वो डिडक्ट करते हैं, और उसी तरह जो रेजिडेंट हमारे बाहर परचेजिंग करते हैं उसको ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी इसको उसको लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन जो अपने लिए रखा है दैट इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। इसी तरह जो गवर्नमेंट है, देखो डिफेंस की, लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो खर्चा भी करती है। तो गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट जो है चीज़ें खरीदती है, जितने यूनिट्स उससे परचेज किए उसको रिटेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो वो पे करती है, और उसी तरह जो वो अब्रॉड से परचेजिंग करती है डैट इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। और उसी तरह जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा जाती है चीज़ें डैट इज उसको भी कंसिडर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि जो फाइनल गुड्स जो है प्रोड्यूसर जो है परचेज करते हैं, ये जो गुड्स है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होती हैं, जैसे एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जैसे प्रोड्यूसर जो है फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी टूल्स पे करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज कमर्शियल बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल हाउसेस। और उसी तरह जैसे गवर्नमेंट जो है रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस के ऊपर स्पेंड करती है, उसी तरह जो चेंज इन स्टॉक है दैट इज दी जब स्टॉक के अंदर चेंजेस इन स्टॉक है, तो इसके अंदर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स तीनों कंसिडर हम करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में हमारे पास बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक जो हमारी बिगनिंग के अंदर है। उसी तरह हम एस्टिमेट करते हैं नेट फॉरन एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट होता है जब हम बाहर माल जो है सेल करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, इम्पोर्ट होता है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम परचेज करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा। तो नेचुरल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीपी, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जब हम सब्सिडी को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं तब हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, एक तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेना है, इंटरमीडिएट को नहीं लेना, डबल काउंटिंग जो है उसको अवॉइड करना है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड गुड जो हमारी देश के अंदर से ही मतलब खरीदी जाती है उसको हम कंसिडर नहीं करते कि वो ऑलरेडी टेकन इन टू अकाउंट है, बट अगर बाहर से हम उसको लेते हैं तब हम उसको कंसिडर करते हैं प्रोवाइडेड कि उसकी पहले जो है काउंटिंग नहीं हुई। इसी तरह जो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर बॉन्ड है उसको भी हम टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है नहीं लेते, कि ये ऑनरशिप के अंदर ही ट्रांसफर होता है, पेपर क्लेम्स ही होता है, तो ये प्रोडक्शन के साथ नहीं होते, इनको भी हम कंसिडर नहीं करते। और उसी तरह जैसे गवर्नमेंट जो है यूनिलेटरल पेमेंट, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, अगर रिटायरमेंट है तो वो कंसिडर करते, स्कॉलरशिप है तो वो नहीं कंसिडर करते, ये ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, तो ट्रांसफर पेमेंट्स दे आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट। और उसी तरह जो सेल्फ कंजम्पशन है उनकी इम्प्यूटेड नेचुरल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और उसी तरह जो ऑनर का ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो उसका भी इम्प्यूटेड रेंट जो है डेट इज टेकन इन टू अकाउंट।